हाँ और जोर से लगा पूरी ताकत। मुंह को बन के बैठो, कैमरा चालू है। झगड़ो उसको और तेजी से, झगड़ो गुन्ना वाला आपको। काट दूं? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatih samawati wal ardi wal arrahmanirrahim. Allahumma inni ahadu ilayka fi hadhihi alhayat ad-dunya la ilaha illa ant wa hadda la sharika laka shuruna muhammadan عبدك ورسولك فلا تكلنا الله نفسي وعينك تكلنا الله نفسي تقربني لا شمخ وإن لا تكل الله برحمتك فاجعلني عندك أحدا طوف عندك أحدا طوف لك من طرد إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد ولصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جكر له उसके हाथों को भी तेजी के साथ उसके हाथ काटेंगे उसके। हाँ और जोर से झगड़ो उसको तेजी के साथ। चलाओ उसके अंदर से भी आग लगाओ तेजी से। चलो बता जल्दी सही सही। चल रहे कैमरा में कहां से लाए थे तुझे पकड़ के? शमशान से लाए, कब्रस्तान से लाए? हाँ कहाँ से लाए थे? शमशान से, कब्रस्तान से? कहाँ से लाए थे? हाँ जलाओ उसको तेजी से, आग लगाओ उसके हाथों में भी जकड़ के। अंगूठियां, बालियां, कान में के, हाथ में के चूड़ियां, ये सब पिना के अंदर लाना नहीं। ये चीजा पहले कान में के बालियां, हाथ में के चूड़ियां सब बाहर फेंक के आना। वो जकड़ो उसको तेज के साथ। लगा पूरे आगे लगा जोर से, जोर से और जोर से लगा पूरी ताकत। कहां से पकड़े? शमशान से, कब्रिस्तान से? कहां से पकड़े? जबरन कुत्ते जैसे। कहां से पकड़े? शमशान से, कब्रिस्तान से? कहां से पकड़े? कहां से पकड़े? शमशान से, कब्रिस्तान से? कहां से? कहां से? कहां से पकड़े? जलाओ 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 उसको तेज से, जलाओ उसको, छोड़ो मत उसको। गले में का ताबीज निकालो, कैमरा मैन मार। अंदर आने से पहले हाथ में की चूड़ियां, कान में की बालियां, अंगूठियां निकाल के आते जाना। और दूसरी बात क्या बोलते, गले में ताबीज वाबीज नहीं आते जाना, सब निकाल के रूम के हिसाब से आते जाना। अकेले पेशेंट को मैं अलाउ नहीं करता, अकेला पेशेंट बिल्कुल नहीं आना, चाहे वो लेडीज रहो या जेंट्स रहो, साथ में माँ बाप भाई किसको भी लेके आना, अकेला पेशेंट अलाउ नहीं है। जैसे आते ना माँ बाप को ना उसके साथ में बच्ची को, उसके लोग आना जरूरी है। अकेले पेशेंट को यहाँ अलाउ नहीं करते, तुम आएंगे खामो खाम तुम्हारी चक्कर होंगी, रिटर्न जाना पड़ता घर को। ये सब बातें हैं, रूल्स हैं, इनका ख्याल रखो। झगड़ो उसको तेज से। चल काट दूं रे, दोनों हाथा काटू तेरे। हाँ जल्दी बोल, टाइम नहीं मेरे पास। झगड़ो उसको तेज साथ में, झगड़ो उसको और तेज से। कौन डाले थे वो औरत थी, आदमी था। जलाऊं वहां तुम्हें तेज से आग लगाऊं? ठीक है, जकड़ो उसके हाथों को तेजी के साथ, जकड़ो और तेज। हाँ बोल जल्दी नाम, टाइम नहीं है पास, जल्दी बोल। नजीब ला रहे कैमरा। हाँ जल्दी नाम बोल, पुतले लेके जैसा मत खड़े रहे। कहां से? शमशान से, कब्रिस्तान से?
जादू कहाँ से करे? जल्दी बोल, बोल। हाँ बोल। तबियत में सुधार लाओ तेरी साथ में, और जो भी प्रॉब्लम रहा उसके साथ लेने में जकड़ के मार के सब तंत्र मंत्र गिरी को भसम कराओ। वो तो मतलब खुशी आती है जवाब नहीं होना मुझे। झगड़ो कुत्ते के साथ में, झगड़ो तो उसके साथ में उसके अंदर से। हाँ इज्जत से बता कौन ला के डाले थे? औरत थी आदमी था वो? हाँ औरत थी आदमी था? क्या पूछा मैं, मेरे पास टाइम नहीं है जल्दी। कौन था वो? कौन था वो? हाँ कौन था? क्या क्या चलो उसको और तेज जलाने की तैयारी करो। उसको तेज साथ में बच्ची को पहले भी राखी लाए थे वो। हाँ मैं जादू चलाते डब्बे क्या लेके गए थे उसका? हाँ क्या लिए थे? हाँ क्या लिए थे? पानी पिलाओ उसको बंद करके, उसके पेट में से भी आग लगी थी उसको। कुछ नहीं करता लो। हाँ जलाओ इसके पेट में से भी आग लगाओ, जकड़ो उसको अंदर से भी तेज शिक्षा। हाँ किस चीज में मिला के खिलाए थे? क्या नाम है इसका? परीन। परीन क्या? परवीन। परीन को किस चीज में मिला के खिलाए थे? हाँ जादू करने वाले उसके माँ के तरफ के थे, उसके बाप के खानदान के थे, किधर के थे वो? किसने जादू करा? औरत थी आदमी था? हाँ नाम नहीं। हाँ बोल जल्दी। कहां से आया शमशान से? कब्रिस्तान से?
আমায় জবাব জলাও কুতে দিছে আর ভড়া কুতে দিছে আ হাসান কর দুন তো মা তো কুতে রেবো হ্যাঁ হ্যাঁ কাহা মিলি তো কই ছোকরি কাহা মিলি তো যাও বাচ্চি হ্যাঁ কাহা মিলি হ্যাঁ কাহা সে পকড়া তুমি শমশান সে কবরস্থান সে जल्दी जितनी तू कट करी उतनी तुझे मार पड़ेगी चलो झगड़ो उसको और तेज एक साथ आग लगाओ उसके हाथों में तेज से ये बच्ची को मारने आया था इस घर में और लोगों को मारने आया था हाँ खुद वो खुद तो नहीं मिली तुझे वो कोई ला के छोड़े तुझे इसके आग में किस चीज में मिला के खिलाए थे हाँ बोल जल्दी लाओ इधर खींच के जकड़ो उसको तू तकलीफ दे रही थी तो कौन है तू तुझे मार के ताली कहां से आई थी शमशान से कब्रिस्तान से कहां से मेरा घर से मेरी मैया निकल दी कहां से आई थी तू छोड़ दे रहे देखो तो पूरा मार के डालेंगे देखो मार के भस्म करेंगे लोगों के आंगों में बैठती हो तो घुस के बाप पर तेरा रात चल रहा हराम की हां बता चल बता चल बता हाँ बता जल्दी कहाँ से लाए थे तुझे शमशान से कब्रिस्तान से उन्हें ऐसा बोला कसम डाली तू नाम मत बोल बोल के हाँ क्या तू जादू कर रही उनपे क्या दुश्मनी तेरी उनपे जादू करते बैठी तो जकड़ो उसको तेज पेट में से आग लगाओ जकड़ के अंदर से सही तरीके से इज्जत से नाम बोलेगा कि पूरा फौज को और तुझे लड़ा के मार लेगा ये सारी शक्तियां खत्म करने लगा दूंगा जितना तूने सिक्के वाले जादू टोने ना सब भस्म कर दूंगा तेरे क्या है तू मरे वाला इंसान है कि कौन है तू जिन्नात है क्या दुश्मनी तेरी उनकी हाँ पीछे से इधर सपोर्ट करो खाने पे घर हटाओ हाँ झकड़ लो उसके पेट में से तेज एक साथ सब दास्तान बताता क्या खत्म करूं तेरी पूरी सिद्धि तंत्र मंत्र सब मैं सवाल के जवाब दे इज्जत से बच्ची को कहे मिला खिलाए थे वो हाँ कहे में मिलाकर खिलाए थे तेरी कोई मिसाल नहीं है कमीने तेरे बाप का राज चल रहा है लोगों को परेशान करने को हाँ
लोगों के बच्चों को मार। चलो नहीं छोड़ दे, तो पूरा फाड़ के मसल में पकड़ के रखो जी हाथा उसके। शमशान से कब्रिस्तान से। हाँ चल बोल, जल्दी बोल। हाँ सही सही बोल, पीछे हटत अदब से नाला। हाँ कहाँ से लाए थे शमशान से कब्रिस्तान से? जल्दी जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं इतना, रिश्ता लेते बैठी तो कमी है। जल्दी बोल, जो पूछा उसका जवाब दे, एडवांस में कोई जवाब नहीं होना मुझे। तुझे शमशान से लाए थे कब्रिस्तान से लाए थे वो बोल, कहां से पकड़े? हाँ कहां से? सुने नहीं आ रहा मुझे, जल्दी चलो उसका हाथ पकड़ो। कुछ उसको देंगे ना, जला कर रख कर देंगे, खत्म बहुत होगा उसका, उसको पूछना। अरे जब तक सवाल जवाब मिली ना उसको, जब तक छोड़ना जगह कर सकते हैं। जल्दी बता कौन है तू? मर्यादी औरत ही आदमी है, जिन्नात शैतान है, कौन है तू, किसके नस्ल से है? हाँ किसके नस्ल से है? मरे वाला इंसान है, जिन्नात है, शैतान है, औरत है, कौन है? हाँ चलो उसको फाइनल करो, उसका नहीं बोलता हूँ। चलो जो दो मिनट होगा, बिस्मिल्लाह जोर से पकड़ के मारे। कहाँ से पकड़े थे? शमशान से कब्रिस्तान से? जोर से कब्रिस्तान से। अच्छा औरत ने पकड़ा, आदमी ने पकड़ी, किसने पकड़ के डाला तुझे बच्ची के आंग में? वो हिंदू का है, मुसलमान का है? जोर से कौन है वो? हिंदू है, मुसलमान है? थोड़ा भी चढ़ो। हाँ हाँ उठ नाला, सीधा बोल, पूरा काट के डालूंगा। कौन है वो? कौन है वो? हिंदू है, मुसलमान है? हाँ कौन है वो? हिंदू का था, मुसलमान का था? मुसलमान का। हाँ शमशान से करा, कब्रिस्तान से करा? कब्रिस्तान से। अच्छा बच्ची का क्या लिख गए थे जादू चलाते वक्त? कपड़ा, मट्टी, बाल, चप्पल, क्या लिए थे? बाल लिए थे। अच्छा औरत ने चुरा के लिख गई, आदमी ने लिख गए इसके बाल? अरे कौन लिया? औरत ने। औरत इसके माँ की रिश्तेदार है, बाप की रिश्तेदार है? हाँ किसकी रिश्तेदार है? माँ की तरफ से, बाप की तरफ से? हाँ किधर से? क्या नाम है उसका? नाम क्या है वो औरत का? चल देख। हाँ नाम क्या है वो औरत का? इज्जत से पूछे तो नहीं आ रहा समझ में, देखो फिर चलो तेजी से भड़को। हाँ हाँ औरत का नाम बोल, जल्दी कैमरा नजदीक ला रहे। कौन औरत है वो? कौन औरत है वो? उसके माँ की कौन होती है? उसके माँ की कौन होती है? वो भी नहीं पता, नहीं पता मेरे को। सब मालूम है, सब मालूम है, सब मालूम है तुझे, सब मालूम है। मेरा दम चले जा रहा है। पूरा मार के भस्म कर देता हूँ तुझे, पूरा मार के भस्म कर। लोगों की आंखों में घुस के बैठने को मजा आ रहा, उनको सताने में मजा आ रहा कमीनों। तुम्हारे को मार के भस्म करे तो तुम्हारी जान जा रही, कमीन के बच्चों जलाओ उसको तेज से। हाँ चलिए, बच्ची को कब मारो बोले थे? अम्मास में, पुन्नम में? मास में। हाँ मास में। कौन से अम्मास में मारो बोले? कितना टाइम बचा? कितना टाइम बचा? जल्दी जल्दी।
सीधा अदब से टाइम बचा, जकड़ो उसको तेजी से, कितना चल हाँ जल्दी बता हाँ कितना टाइम बचा, कितना अच्छा ये बच्ची के बाद इसकी माँ को भाई को किसको मारने आते फिर? नहीं किसी को नहीं, बच्ची को पहले। अच्छा सब पे जादू करे पूरा घर में? हाँ नहीं सही बोल सही बोल सही बोल, पूरे बहन भाइयों पे सब पे झूठ 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 सब पे करे? नहीं हाँ फिर बच्ची को फाइनल कब ले जा रहा था? अच्छा बीमारी डाल के एक्सीडेंट करके सुसाइड करके कैसा मारने वाले थे बच्ची को? एक्सीडेंट करके मारने वाले थे। कैसा? एक्सीडेंट करके। अच्छा ठीक है, जादू करा किसने? वो जादू कौन करा? वो कौन है इसके रिश्तेदार कौन है वो? नहीं पता। चल एक मौका दे रहे थे, एक मौका सब याद करके आके बताना मेरे को दूसरे चक्कर तक। अच्छा। कौन डाले कौन लोग आते हो क्या दास्तान है? मैं तो पूरा मार के खत्म करूंगा ना लाया। एक मौका दे रहे थे, एक मौका सब याद करके आके बयान करना, कौन डाले थे, कहाँ से आया था, कितने लोग थे और किस किस को मारने वाला कौन थे, क्या नाम आते, क्या क्या सारी दास्तान अगली चक्कर तक मुझे सब आके बयान करना मेरे सामने। चलो जब तक उसको जकड़ के रखो, उसको बंद के डालो उसको जंजीरों के साथ में तेज के साथ में, और मार मार के उनकी शक्ति कम करो ना ला मुझे। चलो बंद हो उनको तेज के साथ में और जकड़ के रखो बन के ग्लास में बंद डालो। एक दो अलग अलग ना हाजिर हो रहे, एक के पीछे दो अलग अलग आए, आदमी भी था और कोई औरत भी है, दो अलग अलग हाजिर हो रहे और गौर करो तुम समझ में करो तो अंदर दो अलग अलग हाजिर हो। दूसरी बात कि कोई लाके डाले सब सब मालूम है उसको, मगर अभी नहीं उसको दूसरे चक्कर में लेंगे, सब खुलासा करेंगे सेकंड राउंड में कौन डाले थे, क्या दास्तान थी, कैसा है क्या है। और ये जो है तो बहुत मजबूती से बैठा था भिन के, और ये बहुत अपने आप को ताकतवर समझ रहा था, लेकिन उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी कोई मिसात नहीं, उसको बता दिए यहाँ धूल चटा के कि अल्लाह के कलाम की क्या रहती ताकत, और अल्लाह के कलाम के सामने कोई शैतान कोई जिन्नात की नहीं चल सकती, क्योंकि सातों जमीन और सातों आसमान पे हर जगह पे अल्लाह कलाम हुकूमत करता, कलाम इलाही क्योंकि अल्लाह का कलाम है, और कलाम की इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो तो तुम घर का एक मामूल बनाया करो, घर के अंदर सूरह यासीन सूरह रहमान सूरह दीन सूरह मुजम्मिल जो तुमको बच्चों को पढ़ाना है पढ़ाओ, एक मामूल बनाओ कि बच्चों को सुबह में एक सूरह पढ़ने लगाओ शाम में एक पढ़ने लगाओ, ऐसा तुम ऐसा करिए तुम अल्लाह के निगह अल्लाह तुम्हारे निगहबान रहेगा और तुम अल्लाह हिफ्ज़ो अमान में रहेंगे और अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा खुद अगर तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामेंगे। अब रस्सी को कैसा मजबूती से थामना, रस्सी को मजबूती से थामने का तरीका ये है कि पानी पिलाऊं, रस्सी को मजबूती से थामने का तरीका ये है कि तुमने क्या करना, इबादत करना, कुरान पढ़ो हदीस पढ़ो घर का मामूल बनाओ, शाम में बच्चों को सोने से पहले कम से कम एक हदीस पढ़ के सुनाया करो और कम से कम एक सूरत कोई भी रात में से पढ़ के सो, तुम सूरह यासीन या कुछ भी तुम महफूज रहेंगे, तुम्हारे को अल्लाह को तुम्हें मान रखना तुम्हारा अल्लाह हिफाजत की ठान लेगा, और जब अल्लाह हिफाजत की ठान लेता तो फिर समझ लो कोई भी जहमत दे नहीं सकती तुम्हारा, कोई जानदार चीज भी नहीं बेजान चीज नहीं, क्योंकि हर चीज पे अल्लाह हुकूमत करता, मेरा मालिक हमारा तुम्हारा सबका मालिक रब्बुल आलमीन। इसलिए बेहतर है कि और ये जादू टोना शैतान कोई हिंदू नहीं देखते, कोई मुसलमान नहीं देखते, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सबके घर में घुसता जादू टोना सबको वैसा परेशान करता जैसा जिसको भी परेशान कर रहा, जैसा जो भी पेशेंट परेशान होगा। और एक बात याद रखना कि कोई बड़ा ऑफिसर रन दो कि कोई कितना बड़ा भी अहदेदार रन दो कि उन्हें पर लगा के भी उड़ने दो तो उसके पर भी लोग जादू टोने से खतर देते, कितना बड़ा भी रन दो मैं बोलने वाला रन दो मैं ये बातों को मानता नहीं मैं फलाना नहीं, तो जो ना मांगे सीख अक्ल से पैदल तो वो मांगे दर दर भी, कितनी बात याद रखना। तो ये सब चीजों से पनाह मांगो, अल्लाह की पनाह मांगो, अल्लाह तेरी पनाह में रख, बोलना मांगो ये सब चीजों से, वबाओं से बलाओं से ये आफतों से आसमानी बलाओं से ये सब चीजों से, तो जब अल्लाह के अमन में तुम अल्लाह के इसमें रहेंगे हिफ्ज़ व अमान में तो फिर तुम महफूज रहेंगे और तुमको कोई ज़हमत नहीं होगी, तो तुमको महफूज रहने के लिए ऐसा बैठ के दुआ करना इबादत करना पड़ेगा ना तो तुमको मिलेगा महफूज। जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती, जब तक तुम मांगेगे नहीं अपने रब से तो अता कैसा करेगा, फिर भी तो तुमको इतना कुछ अता करा उसने, तुमको सांसें दिया ऑक्सीजन दिया जीना खाना पीना हर चीज दिया, इतना तुम पे एहसान करा, तो अब तुम आगे की भी चीजें कुछ मांग कर लो,
दुआओं में, जिक्रों में, अस्कारों में, इबादतों में, तहज्जुद में तोता करेगा। और जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख। बार बार याद रखना कि मैं भी बहुत सारी चीजें समझता था कि ऐसे नहीं रहते क्या है कि जादू टोने की दवा किसके पेट में नहीं रहती, बैठी रात का खाए वाला सुबह तक निकल जाता, सालों साल दवा कहाँ से अटके वाली रहेंगी उसके पेट में। लास्ट में मुझे भी बताया बाद में कि हाँ वाकई में पेट में दवा रहती, दिमाग में रहती, कलेजे में रहती, सब अलग अलग बिठाई वाली रहती। उसके बाद जब मेरे को पता चला, मैंने अपने आंखों से देखा और दुनिया को भी दिखाया, और जब मेरे को प्रैक्टिकल में पता चला तो मैंने भी प्रैक्टिकल में सारी दुनिया को दिखाया जब मैंने माना। क्योंकि इंसान की सोच ऐसी चीज है कि जो जब तक देखती नहीं जब तक मानती नहीं। और ये चीज ऐसे है कि तुमको देखे तक बहुत टाइम हो जाता, फिर तो खबर में आने के बाद दिखता फिर आगे की सारी दास्तानी। स्वास्थ्य बेहतर है कि महसूस करो ये सब बातों को, महसूस होना चालू हो जाता। जब तुम पर कोई जादू चलाता तो तुम्हारी रूहानी को महसूस होता, तुमको महसूस होना चालू होता कि जादू चल रहा। तुम कोई काम करने जा रहे हो, तुम्हारा काम बिगड़ रहा, तो तुमको ये भी महसूस होता कि ये काम जादू की वजह से बिगड़ा। ये यहाँ तक कि मेरे पास एक से एक लोग आए, यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सारे मशीनरियां तक बनाए थे बड़े बड़े वर्ल्ड लेवल पे, तो उनकी मशीनरियां तक शैतानों ने बोले हमने फेल कराए, सब डिफेंस जो भी बनाए थे उन्होंने एक्स वाई जेड, वो सब चीजों को हमने वक्त पे फेल करा दिए थे, अंदर के बलाएं बोल रहे। तो ये सब समझ जाना तुम्हारे को सक्सेस नहीं मिला तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और वो गड़बड़ी, वो निगेटिव ताकत को हटाने के लिए पॉजिटिव ताकत, इबादत करना पड़ेगा तो वो ताकतें हट जाएंगी। अब जब तुमसे इबादत नहीं हुई तो कोई अल्लाह वालों के पास जाओ, वहां से बिल्कुल तुम्हारे को फैज मिलेगा, जैसा तुमको तरीका बताएंगे। और बार बार मैं बताता हूँ कि अल्लाह वालों को बुजुर्ग आने दिन को मजाक में भी बुरा नहीं बोलना। अगर तुम मजाक में भी बुरा बोलेंगे तो अल्लाह फरमा देता कि खुले जंग का ऐलान करता तुम्हारे साथ, और तुम कहाँ भाग के देंगे फिर कहाँ जाएंगे जब अल्लाह तुमसे जंग का ऐलान कर रहा। अल्लाह कुरान के अंदर फरमा देता या माशरल जिन्न वल इंस ततमन तनफुजू जहां पर भी तुम जाओगे खुदा को ही सुल्तान पाओगे, समझ गए। इसलिए कहां भागोगे तुम, असल से बेहतर लोगो पहले से अल्लाह ने बता दिया ना, बेहतर है कि अल्लाह वालों का बुजुर्गान दीन का अदब करो, अदब और एहतराम। बाअदब बानसीब, बदअदब बदनसीब हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया कि मैं खुले जंग का ऐलान करता जो मेरे वलियों को बुरा बोलते। देखो बोला था ना मैंने, बार बार बोला था ना कि मेरे को तुम कितनी भी जहमत देंगे क्या भी करेंगे तो मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि मैं तुम्हारा ना दुआ देता ना बददुआ देता, मगर मेरे पास जो ताकत है काम करा जो नेचर के तौर से उनको बर्दाश्त नहीं होते बातें। जो जकड़ लो तो जकड़ लेते, जो पकड़ लो तो पकड़ लेते, मारते लिड़ाते कौन मार रहा दिखता नहीं शैतान को, मगर शैतान अल्टा के बोलता छोड़ दो, वो ताकत को कैसे बर्दाश्त होगा। तुम बोले अल्लाह मजाक करे अल्लाह, तुम्हारे आंगों में निकल रहे शैताना और तुम्हारे शैताना तुम ला के लोगों के आंगों में डाल रहे, तुमने डाले किसी के आंग में तो यकीनन तुम्हारा नाम लिंगा ना उन्हें। तुम पर्दे के पीछे तो डाल के बोलेंगे कि हम पर्दे के पीछे तो रहेंगे, कभी हमारा नाम सामने च नहीं आएगा, परभनी को आने के बाद तो तुम्हारा नाम सामने आने वाला है, और तुम्हारा नाम सामने आके पूरी दुनिया के सामने जाने वाला है। और वो हम हमारे मुंह से नहीं बोलते, कभी से नहीं बोलते, वो तुमने जो शाही पकड़ के लाए वाली थी वो बयान करती। छोटे बच्चे को जब पकड़ के मारते तो उन्हें क्या बोल के रोता, अम्मा हमारे अम्मा को बुलाओ बोलता उन्हें, बरोबर बच्चे को मारे के अम्मा बोल के रोता। तो तुम्हारे शैतान को पकड़ के जब हम मारिए तो उन्हें तुम्हारा नाम लेता, तुमने लाके डाले, तुमने लाके डाले बोल के रोता, फिर तुम पर्दे के पीछे नहीं रह सकते ना तुम्हारा। और फिर जब तुम्हारा नाम निकल गया तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुम बाद में को बुरा बोलते कि तुमने नाम इच कसा निकाले, मैंने बोला क्या मेरे मुंह से, मैं तुमको पहचानता क्या, तुम्हारे लोगों को पहचानता क्या, मैं तुम आए क्या मेरे सामने, मेरे बाप के रिश्तेदार है क्या तुम, तुम्हारा रिश्तेदार हूं मैं जो तुम्हारे नाम निकाल के बताऊंगा। तुम्हारा शैतान बोलता हो जिसको तुम पकड़ के लाते जादूगर के पास से, छोटे बच्चे को मारना खींच के किसके पकड़ के तल 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 रोते हुए भागता हूं अम्मा मेरा अम्मा बुलाता हूँ ठहरो, शैतान को पकड़ के जब मारे तो उसका नाम लेता जिसने लाके डाला, उसने डाला मेरा क्या बोलता हूँ, मैंने पकड़ के लाके पैदा करा था साहब, माफ कर दो साहब गलती हो गई चले जाता हूँ, मेरा क्या है। और तुम गलती से और मजाक में भी तुम कैसा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद करने को कर रहे, नाम निकल रहा तो हमारा नाम कैसे निकला, तुम शैतान को ताले बोल के निकला, दूसरे का नाम क्यों नहीं लिया, शहर में हजारों लोग रहते उनका नाम क्यों नहीं लिया, हाँ फलाने का नाम लेना था, प्रधानमंत्री का लेना था, राष्ट्रपति का लेना था, उनका क्यों नहीं लिया, वो कैमिज कुछ नहीं है, तुम कर रहे तो तुम्हारा नाम आ रहा, तुम्हारे दूसरे भाइयों का लेना था, बहनों का लेना, छोटे बच्चों का लेना था, क्यों नहीं लिया। बरोबर बोलते हो जिसका नाम है उसका, क्योंकि वो बलाओं की खास बात रहती, जब तक उनको मार नहीं पड़ती जब तक सही नहीं बोलते, जब मार पड़ेगी फिर सही बोलते फटाफट फटाफट तोड़ते के वैसा। और एक बात याद रखना कि तुम अगर तुम्हारा नाम निकल रहा है, तुम जादू कर रहे हो तो नाम तो निकलेगा, और फिर तुम जादू हटाने वाले जिस अल्लाह ने चुन के बिठाने वाला है उसको तुम बुरा बोलेंगे तो यकीनन बुरा बोलेंगे, तुम्हारे जवानों में कैंसर होकर कट जाएंगे,
दो जगह से कटे ना जमाना, इधर से कटे ना, डबल से कैंसर हो गया कटा। मैंने तो कुछ नहीं करा, बोला था ना दिल पकड़ के मार देते फौरी, कैसे मारे रातों रात दिल पकड़ के कैसा मारे, सब मरेंगे जितना बोलेंगे बुरा, जितना मेरा कुछ जाता नहीं, मैं किसी को बद्दुआ भी नहीं देता, किसी को कुछ भी नहीं, दुआ देने का काम है, दुआ देते बैठे। और तुम अगर बड़े रुआब झाड़ेंगे तो तुम्हारा रुआब सिर्फ बेटा सच्चाई अगर हूबहू हो, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती, तुम्हारी कितनी भी जमींदारी होंगी मगर खबर के अंदर जमींदारी नहीं चलती। इतनी बातें याद रखना, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती, तुम्हारा दबदबा तुम्हारे जिंदगी तक होगा वरना खबर के अंदर किसी की जमींदारी नहीं चलती। देखे ना खबर के अंदर, और तुम आप सुकून से खबर में भी नहीं बैठते, तुम आप खबर में से पकड़ के लाके मार के जादू करा तुम आपको कामा लगाते सब चाबू को सके, तुम्हारे पे लानत बरसती है अल्लाह की, और लानत बरसने वाले बंदों के तो रूहों को पकड़ के उनके रूहा तो चल जाते हैं, उनके तो हमजात पकड़ के लोगों के आने में लाते हैं, तुम चैन से भी नहीं रहने देते तुम्हारे, क्योंकि तुम जानोगे ईंधन ईंधन। इसलिए बातों को केयर करो, किसी का कुछ नहीं जाता, तुम 50 गालियां दो तुम 1000 गालियां दो अल्लाह के वलियों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर अल्लाह फरमा देता जो मेरे वलियों से बुग्ज रखता तो खबरदार तैयार हो जाओ अल्लाह तुमसे खुले जंग का ऐलान करता। लड़ो फिर तुम, देखिए कैसे वबाएं तुम पे नाजिल होते, कैसे बीमारियां तुम पे नाजिल होते, कैसे तुम्हारे काम नहीं बनते, सब बनते काम बिगड़ जाते, तुम जबानों से बुरा बोले तो जबानों में कैंसर, कैसे तुम ज्यादा दिलों में बुरा सोच रहे, बुरा खुरास दिल से रखे तुम्हारा दिल खराब करके मार देते, जकड़ के हार्ड लाके मारे ना हार्ड लाके, क्या है आया ना समझ में, दुआ और बद्दुआ तो छोड़ दो, बहुत दूर की बात है, जब वो इतना काम लेता तो हिफाजत की भी उन्हें नहीं उठाने वाला है, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम कोई भी साजिश रच रहे, तुम क्या समझ रहे मेरे पता नहीं चलता, तोता कैसा बोलता हूँ मेरे सामने शैताना बोलते ना, सुनो ना सारे बात, और मैं बोलता हूँ कि जाने दो ढील दो बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन तुमको मार पड़ती डायरेक्ट कुदरत की तरफ से, हदीस में ना पढ़ो ना समझ में आता ना फिर, और कैसा बुरा हाल होता फिर, कैसे बुरे बुरे हाल आओगे तुम्हारे, तुम्हारे खाने को तक मोहताज हो गए तुम लोग, तुम्हारे कैंसर आओगे जबान में, तुम्हारे कट गए कितने लोगों के, कितने लोगों के दिला पकड़ के मार दिए, मैंने तो नहीं मारा, मैंने तो जादू नहीं करा, मैं तो तुम्हारे तो काम है जादू हटाना, फिर तुम मरे कैसा, फिर तुम्हारे जबाना कटे कैसे, फिर तुम्हारे सब आफता आए कैसे तुम्हारे पे, अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से, क्योंकि अल्लाह फरमाता ना हदीस से कुद्दूसी में, जो मेरे वलियों से बुग्ज रखता तिल बराबर यकीनन उनको क्या बोलते, तो अल्लाह खुले जंग का ऐलान करता उनके साथ, लड़ो बैठो। इसलिए बेहतर है कि सोच समझ कर बोला करो, मेरा क्या है तुम्हारे, तुम क्या तुम्हारे मेरे क्या दुश्मनी है, क्या तुम्हारे घरदार पे मेरे कब्जा डाला, क्या तुमने मेरे घर बार पे कब्जा डाला, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या जमीन जायदाद का झगड़ा है, क्या हमारा राजपाट तुमने छीने, तुम्हारा राजपाटन कुछ भी नहीं, तुम्हारे नाम निकल रहे और तुम उल्टा चोर कोतवाल को डाट रहा, ऐसी बात हो जा रही, कर रहे तो कर रहे हो ऊपर से सीना जोरी भी करके बताने, फिर मरो, फिर जाओ बेमौत खबर में जाके बैठो, फिर बेमौत बैठो, तुम्हारे को पकड़ के जब तक मौत का वक्त नहीं आता तुम्हारे, जब तक तुम्हारे जो भटकता ना उसको पकड़ के काम लगाते, फिर ऐसा बनाते तुम्हारे चाकू से मार मार के, किसका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इबादत करने वालों को फर्क नहीं पड़ता, कितना भी तुम क्या भी बोलो, ऐसे भी उनके रस्ते में कांटे डालने कुछ करो, तुम्हारे पीछे पलट के बरसते तुम्हारा बुरा हाल हो जाता, इसलिए जबान से बात निकालने से पहले 50 बार सोचना है कि किसके बारे में बोल रहे, अगर वो बात मौकिलों तक पता चली तो बरोबर तुम्हारे घर तक पहुंचते हैं, ठेसा बना देते सब चीजों का, तुम्हारे तकदीर को कुचल देते उंगली में डाल के, गई तुम्हारी तकदीर, गए तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर सब का, भिखा मांगते बैठा ऐसा आलम होता। यजीदियों ने कैसा करे थे आलम इमाम हुसैन के साथ में, देखो मुहर्रम का महीना है, शहीद होने के बाद भी हुसैन जिंदा है, अल्लाह ने फरमा दिया कि वल्लाह हुसैन जिंदा है, सूरह अल इमरान के अंदर शहीद को मुर्दा मत करो, शहीद जिंदा है, और हम उसका रिक्स उसको देते, और इमाम हुसैन की तो शहादत वो है कि जाम शहादत, जाम है शहादत का, और शहादत को बुजुर्ग की बख्शने वाली शहादत है, कितनी वो शहादत है, तो सोचो, और वो यजीद मलून बदबख्त क्या आलम हुआ उसका, कुत्ते भी उसके मजार पे जाके बोलेंगे वो क्या बोलते, पेशाब करने के लिए 10 बार सोचेंगे, बोलेंगे लानती बंदा अंदर वो यजीद उसके अंदर आजाब नाजिल हुआ, कहीं को करेंगे हम, बोल के नहीं जाते उसके नजदीक, देखो ना तुम ये सब बातें, मैं ही कहीं बोलो तुम देखो तुमको पता चलेगा, नहीं जाओ कुत्ते को पकड़ के टहलाते हुए यजीद की खबर के पास करता क्या, उन्हें देखो है सुन के हट जाता, बोलता नहीं नहीं उस आजाबी बंदे के इस पर कहीं करूंगा उसको, अंदर दुनिया का आजाब और बदमाश, और वही देखो अल्लाह वाले और बुजुर्गान दीन की मजारों के ऊपर से कबूतरा तक ले जाते, वो सारे जला दिए हस्तियों के, क्योंकि उनका जलाल उनका रुतबा अल्लाह ने बस रखा है ना,
और जो मलून है रियासत के वास्ते, चार दिन की रियासत के वास्ते क्या आलम कर दिया, और खयामत दुनिया आखिरत सब बर्बाद करके ले लिया खुद की, तो तुम भी यकीनन उसके औलादों में से होंगे यजीद के, जो तुम एक दूसरे पे हसद जलन कर रहे, क्योंकि इमाम हुसैन और उनके चाहने वालों जो बच्चे हैं उनके दिलों को अल्लाह ने ऐसा बनाया कि उनके दिलों के अंदर बुग्ज कीना कपट नहीं रहता, बदला लेने की आस नहीं रहती। सैयद वो है कि करबला में पूरा घराना लुटा दिया अपना सैयदों ने, इमाम हसन इमाम हुसैन ने, और बदला लेने की आस नहीं रखी गई, क्यों? अल्लाह के नाम पे लुटा है। और यजीदी वो है कि देख लो उधर से भी कुरान पढ़ रहे थे, उधर से भी खारियां, उधर से भी हाफिजा, उधर से भी आलिमा लड़ने के लिए आलिमा, और कौन थे वो? उनकी इबादत कबूल हुई, उनकी हाफिजियत कबूल हुई, उनका आलिमियत कबूल हुई, क्या वो मुफ्तियत उनकी कबूल हुई, क्या उनकी इबादतें, उनके सजदे, उनके सब यजीदियों के कबूल हुए? तुम ही सोचो, तुम ही बोलो, उन्होंने भी तो सजदे कर रहे थे, उन्होंने भी नमाज पढ़ के बता रहे थे, उन्होंने भी रोजे रख रहे थे, मगर खुल्या सबको पता है कहाँ जाने वाले हो, और इमाम हसन ने भी सजदे किए, नमाज पढ़े, तो ये सबको पता है कि इनका भी कहाँ जाने। तुम ऐसे यजीद की फौज में शामिल मत हो, तुम अल्लाह और उसके रसूल की फौज में शामिल हो, अल्लाह और उसके रसूल के दामन को रस्सी को मजबूती से थामो, तो तुम नेक सालहीन बनेंगे। दुनिया में इमाम हुसैन के साथ में जितने लोग थे उनकी भी औलाद दुनिया मौजूद है, इमाम हुसैन और हसन की भी औलाद मौजूद है, और यजीदियों की भी औलाद मौजूद है। ये जो तुम कर रहे ना हरकत है, तुम ये सब यजीद, तुम्हारे बाप दादा यकीनन कहीं ना कहीं तुम्हारे शिजरे यजीदियों के साथ मिलते जाते ऊपर, जिन्होंने करे थे, जो आलम इस्लाम के खिलाफ थे, इस्लाम में रहते हुए मुनाफिकीन मुशरिकीन तुम्हारे बुजुर्ग होंगे, ऊपर के जाके चेक कर लो शिजरे तुम, और जो नेक सालहीन औलाद दुनिया में रहती तो यकीनन उनके भी शिजरे चेक करो, उनके बाप दादा यकीनन तुमको वहां जाके मिलेंगे, नबी के दर के गुलाम मिलेंगे, समझे, पक्के गुलाम। ये सब बातें तुम्हारे कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे, बताना मुझको वाजिब है, मैं इसलिए बता रहा, नहीं तो मुझे कोई बताने की और कोई इलाजा करने की कोई गरज नहीं, कोई जरूरत नहीं। मेरे पास दो डिग्रियां हैं, मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं एडवोकेट भी हूँ, तो मैं दो काम करते बैठा तो मेरे को दुनिया का सर ताने फिर, मगर ये तुम्हारे वास्ते करना पड़ रहा, क्यों? ये राय फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ने तुम्हारी जान बचाने के लिए चुना बोलकर बैठना है, नहीं तो बशारत में सब बता दिया, मिला भी दिया सबसे, कौन कौन सबने बता भी दे कि तुमसे कौन काम ले रहे हो, तुम किसके अंडर में काम कर रहे हो, यहाँ से तो कहाँ तक सकली जुड़ जाएगी, इसलिए तुमको करना है, तो मैंने कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने चुना, तो मेरे मालिक ने की राह पर कम से कम 1% तो भी खरा उतरू बोल के, भाई तुम आपको टाइम दे रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम है, ये सब देते बैठे हैं, इलाजा करने को नहीं है, मगर क्या करूँ, नहीं, अल्लाह ने चुने वाली दास्तान है, वो बिना ज्ञान नहीं बोलते ना, देखो अगर उस्ताद के इल्म है ये, अल्लाह ने कैसा उस्ताद का उस्ताद बनाया, और अगर कोई उस्ताद रहता था, कोई पीर रहता था, तो उसको मैं शागिर्द रहता था, और आज सारे पीरों का जितने भी अभी वक्त के चल रहे फेकम फाका करने वाले, जितने भी वक्त के जादूगर इन सबका बाप बना के पैदा करे अल्लाह ने, क्योंकि कुदरत देखो ना शैताना, तुम देख लो ना पूरी जिंदगी का तकब्बुर, पूरी जिंदगी का घमंड, पूरी जिंदगी का उसका मेहनत, पूरी जिंदगी का उसका निचोड़ रहता जादूगर का एक शैतान, और वो शैतान यहाँ अंदर आते, उसका घमंड, उसका तकब्बुर, उसकी जिंदगी की मेहनत यहाँ अंदर आते, पल भर में चकनाचूर कर देते मार मार के, क्यों? क्योंकि अल्लाह के कलाम की ताकत है, असल सबसे घमंड करने वाली चीज अल्लाह का कलाम है, उस पर घमंड करो, कोई जादूगर तेरी जादू है, कोई तेरा क्या बोलते, तो ये जितने भी यहाँ देख ले, यहाँ आने के बाद क्या आलम हो जाता, शैतान इब्लीस को तक यहाँ क्या बोलते, तो उसके बच्चे थे ना ये सब, ये जो शैतान पर है ना इब्लीस के बच्चे ही, पढ़ो तफसीरों में तुमको पता चलेगा, बहुत चिढ़ता हो इब्लीस, इतना चिढ़ता कि मेरे बच्चों को तुम कैसा मार रहे, मेरे बच्चों को तुम कैसा कर रहे, बोल के आता भी और आके क्या बोलते, तो हमला करने की कोशिश करता, तुम बहुत बाल से बारीक डिफिनेशन में गए तो तुमको पता चलेगा, मगर हिफाजत कौन करता, हिफाजत वो करता, बोल के इब्लीस को भी क्या बोलते, हमला करने की ताकत नहीं है, और उसके साथ यहाँ जिन्नाता शैतानों को भी नहीं है, क्योंकि जब हिफाजत की उन्हें ठान लेता तो मकड़ी की चादर तान देता, मुकद्दर में अगर मौत ना लिखी हो तो समंदर भी राहा दे देता, वरना जान तो एक मामूली मच्छर भी ले लेता, समझे ना, मुकद्दर में मौत ना लिखी हो तो समंदर मूसा अलैहिस्सलाम को राहा दे दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकड़ी ने चादर तान दी थी, और मुकद्दर में मौत लिखी थी तो एक नमरूद के नाक में से मच्छर में जाके जान ले लिया था, ये सब बातें समझो, तुम्हारा समझ में आएगा, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे।